रजत दलाल के खराटों से परेशान है घर, तो भाई विवेन स्मोकिंग कर रहे हैं कम। यहाँ तो ईसा का बन रहा है एलिस के साथ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला सीन। यहाँ दोस्तों बिग बॉस के लाइव फीड में सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ईसा और एलिस दोस्तों बात करें तो एक साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्ती 3 से 2 दिन हो गए, जहाँ पर पहले बात करें तो अविनाश भी इनके साथ है, लेकिन अब अविनाश तो थोड़े कटे कटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एलिस और ईसा जिस तरीके से दोस्तों लोगों को कुछ ना कुछ कंटेंट देने की कोशिश कर रहे, जहां पर कुछ ना कुछ भाई बकचोदी करते हुए नजर आ रहे, जहां पर एलिस और ईसा कहती है कि हमारे जो रजत भाई है वो भाई बात करे तो खराटे बहुत ज्यादा लेते हैं, और इनके खराटों से मुझे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं तो जब सोती हूँ तो मुझे भाई बात करे तो बास में ढोल बजाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं कि रजत दलाल खराटे बहुत ज्यादा लेते हैं। इसके बाद भाई बात करे तो अभी भी ये खराटे लेना स्टार्ट कर दिया है और वापस हो गए। आपको बता दें रजत दलाल रात को दोस्तों बात करें तो काफी ज्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे थे, हम सभी तो सो गए लेकिन रजत दलाल नहीं सोए थे। यहां रजत दलाल और बात करें तो हेमा शर्मा और ये 2-3 लोग दोस्तों बात करें तो रात को काफी ज्यादा बकचोदी कर रहे थे। यहां इसके साथ ही भाई बात करें तो रजत दलाल सो जाते हैं, तो उसके बाद बजा देते हैं मुर्गा। जी हाँ, बिग बॉस कुकड़ू कु। उसके बाद भाई बात करें तो शिल्पा शिरोडकर के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं विवेन डिसेना, और विवेन डिसेना कह रहे हैं कि मेरी काफी बुरी आदत हो गई थी जो कि मैं यहाँ पर सही करने आया हूँ। बात करें तो विवेन डिसेना काफी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और यहाँ पर दोस्तों स्मोकिंग की हैबिट को वो कम कर रहे हैं और न के बराबर करना चाहते हैं, धीरे धीरे वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हेमलत बात करें तो शिल्पा पूछती हैं विवेन से कब से तुम कर रहे हो स्मोकिंग। उसके बाद भाई बात करें तो विवेन कहते हैं कुछ टाइम तो काफ़ी हो गया है, मैं काफ़ी स्ट्रेस में था तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये स्टार्ट कर दी थी, और इसकी लत कब लग गई मुझे भी पता नहीं चला, और ये काफ़ी गंदी लत गई और बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता था बार, लेकिन अब यहाँ पर आया हूँ तो बात करें तो थोड़ी थोड़ी करके कम कर रहा हूँ और इसमें मैं सफल भी हो रहा हूँ। जी इस तरीके से दोस्तों बिग बॉस के मॉर्निंग में दोस्तों बकचोदी देखने को मिलती है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट करके जरूर बताएं।